दोस्तों, अगर आपसे 70 डिग्री एंगल तक उठी हुई ढलान से साइकिल चलाने को कहा जाए तब उस ढलान को देखकर ही आप डर जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ ऐसे खतरनाक स्टंट्स को अंजाम देते हैं बल्कि इनमें सक्सेस भी पाते हैं, जो उनकी जिंदा दिली और दिलहरी को साबित करता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही जानबाज लोग और उनके द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट्स के बारे में। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग मौजूद है तो वो जंगलों में ही है, क्योंकि जंगलों में ही हमें नेचर की असली खूबसूरती देखने मिलता है जो हमें अपना दीवाना बना लेती है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग दुनियादारी छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चले जाते हैं और वही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब इस व्यक्ति को ही देख लीजिए जो कि जंगलों के बीच बिल्कुल अलग तरीके से एंजॉय कर रहा है। दरअसल ये जंगल के बीच में एक ऐसा लंबा सा ट्रैक बनता है जिस पर सिर्फ एक इंसान ही चल सकता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इसी ट्रैक पर अपनी साइकिल चलाने लगता है और बिना गिरे तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। इस खतरनाक स्टंट को देखकर एक बात तो समझ आती है कि इस व्यक्ति ने ये कारनामा करने से पहले इंटेंस ट्रेनिंग ली है, तभी तो इस छोटे से रास्ते से वो बिल्कुल भी नहीं भटकते और अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। आप सभी ने वाटर राफ्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो वाटर राफ्टिंग अक्सर नदियों में की जाती है क्योंकि इसके लिए तेज पानी के बहाव की जरूरत होती है, पर कुछ लोग वाटर राफ्टिंग जैसी खतरनाक चीज को भी एक खतरनाक स्टंट में बदल देते हैं। अब इन दो महान हस्तियों को ही देख लीजिए जो किसी नदी में नहीं बल्कि जंगलों के बीच से निकल के नाले में राफ्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, भले ही ये नाला छोटा ही क्यों ना हो, पर ये बड़ी ही समझदारी से अपनी जान जोखिम में डालते हुए तेजी के साथ राफ्टिंग करते जाते हैं और बहुत हद तक खुद को पानी में बनाए रखते हैं। हालांकि बीच बीच में ये नाले के अगल बगल में लगे पेड़ और पत्तों से टकराते हैं, पर इनकी गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पेड़ पत्ते इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ये सक्सेसफुली एक बड़े से लेक में जाकर गिरते हैं। इस दुनिया में तरह तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जिनमें से कुछ आसान होते हैं तो कुछ मुश्किल। ऐसा ही एक स्पोर्ट है आइस स्कीइंग, जो कि देखने में भले ही आसान लगे पर होता बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसे अंजाम देते वक्त अगर किसी इंसान से जरा सी भी गलती हुई तब उसकी हड्डियां तक टूट सकती है। आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि बहुत से प्रोफेशनल लोग बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों के बीच आइस स्कीइंग करते हैं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में दिख रहे इस आदमी ने आइस स्कीइंग को पहले से और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, क्योंकि ये किसी खुली जगह पर आइस स्कीइंग नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे पेड़ से घिरे एक पहाड़ी के बीच अपने स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। इस आदमी को इस तरह के आइस स्कीइंग करते देखकर कई जगह तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल ये किसी पेड़ से टकरा जाएगा, पर ऐसा होता नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रेन थे, जिस वजह से ये छोटी सी छोटी जगह से भी आराम से निकलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि इंसान बहादुर तभी बनता है जब वो कोई ऐसा काम करता है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। वैसे तो इस दुनिया में बहादुर लोगों की कमी नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग इतने ज्यादा ब्रेव होते हैं कि ब्रेव वर्ड भी उनके लिए छोटा लगता है। अब इन जनाब को ही देख लीजिए जो कि ब्रेवनेस की सारी हदें पार करते हुए ये डिसाइड करता है कि वो इस 70 डिग्री पर खड़ी हुई ढलान से साइकिल चलाते हुए नीचे पानी में गिरेगा। खैर, किसी आम इंसान के लिए ऐसा कर पाना असंभव है, पर इस इंसान ने तो मौत से नजरें मिलाते हुए आसानी से इस खतरनाक स्टंट को अंजाम दे दिया, जो रियल में काबिले तारीफ है। इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने साइकिल चलाना सीखने के बाद उससे छोटा मोटा स्टंट न किया हो। वेल, हम सब भी ऐसा करते हैं और कभी कभी ऐसा करते वक्त हमें चोट भी लग जाती है। हालांकि इस वीडियो में दिख रहा ये व्यक्ति किसी छोटे मोटे स्टंट की जगह एक अलग ही लेवल का स्टंट कर रहा है और अपनी साइकिल से खड़ी पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। भले ही देखने में ये स्टंट उतना ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, पर मेरा यकीन मानिए ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टंट है, क्योंकि साइकिलिस्ट को इसमें सिर्फ सीढ़ियां नहीं उतरनी थी बल्कि इन सीढ़ियों के बीच में बने ट्रैक्स को भी पार करना था, जो कि कोई आसान काम नहीं है। खैर, कई जगह पर उछाल के बावजूद भी इस साइकिलिस्ट ने बहुत सारी ऑडियंस के बीच आखिरकार इस खतरनाक स्टंट को पूरा कर लिया। आप सभी ने टीवी में लोगों को अक्सर स्नोबोर्डिंग करते हुए तो देखा ही होगा, जो कि देखने में जितना आसान होती है करने में उतना ही खतरनाक। हालांकि पियर वॉल्चियर नाम के इस बंदे ने स्नोबोर्डिंग का अंदाजा ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इसने और इसकी टीम ने बर्फ के पहाड़ों के बीच बर्फ के बड़े बड़े स्लैब्स बनाए जिन पर ये स्नोबोर्डिंग करते हैं। दोस्तों, इस तरह की स्नोबोर्डिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये स्लीव्स बहुत ही ऊंचे हैं और इनसे गिरना मतलब निश्चित तौर पे हड्डियां तुड़वाना है।
हालांकि पियरी स्टंट में बहुत ही माहिर है, तभी तो उन्होंने आसानी के साथ अपनी मंजिल को हासिल कर लिया है, वो भी चोट खाए बिना। दोस्तों, अगर आप सभी को कार चलाने में इंटरेस्ट है तब आपने कार ड्रिफ्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। वेल, कार ड्रिफ्टिंग एक तरह की रेस होती है जिसमें कार से खतरनाक करतब किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्सर एक्शन मूवीज में देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में एक्टर्स कार को एक तरफ ड्रिफ्ट करके दो टायर पर चला देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ मूवीज में ही होता है तो आप गलत हो, क्योंकि ऐसा असल में भी होता है और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि इन तीन कार्स के ड्राइवर्स अपनी अपनी कार को दो टायर पर चला रहे हैं, वो भी आपस में टकराए बिना। इतना ही नहीं, ये स्टंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और जोखिम उठाने की सारी हदें पार करते हुए दो टायर पर चल रही कार के ऊपर खड़े हो जाते हैं और एक कार से दूसरी कार पर ड्राइव लगा देते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक स्टंट है। हालांकि अच्छी बात ये है कि इनमें से ना तो कोई इन खतरनाक स्टंट्स में फेल होता है और ना ही किसी को चोट लगती है, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये ऐसे जोखिम लेने के आदि हो चुके हैं। आज के समय बहुत से लोग रोड से साइकिल पर स्टंट करते हुए खुद को बहुत ही महान समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी सड़कें मौजूद है जहाँ पर साइकिल चलाना तो दूर, वहाँ पर वॉक करने में भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अभी साइकिलिस्ट को ही देख लीजिए, क्योंकि इसने साइकिल चलाने के लिए कोई सिंपल सा रास्ता ना चुनकर इस दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स को चुना है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इन रोड्स को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर इन रोड्स पर चलते हुए हम जरा सी भी गलती कर दे तब किसी भी वक्त खाई में गिरकर हमारी मौत भी हो सकती है। खैर, इससे हमारे जानबाज और जिंदा दिली साइकिलिस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में तेजी के साथ चले जा रहे हैं। वेल, एक बात तो बिल्कुल सच है कि इन खतरनाक रास्तों और पहाड़ों से अगर कोई नीचे गिरा तब उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है, पर इसके बावजूद इन साइकिलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सभी स्टंट्स में से आपको कौन सा स्टंट सबसे अनोखा और डेंजरस लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।